Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स अभी आपको लेकर क्या हैं। आज जो है न्यू मून है और जिसको हम हिंदी में अमावस्या भी बोलते हैं, और जैसे जैसे मून की पोजीशन चेंज होती है वैनिंग में, वैक्सिंग में, फुल मून में, न्यू मून में, ये एनर्जी जो है हमारे चेंज होती रहती है। हमारी चंद्रमा का प्रभाव जो है हमारे मन पर पड़ता है, तो हमारी फीलिंग्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो आज जो है न्यू मून है तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, और साथ साथ हम उनके नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे कि क्या नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन में आपके पार्टनर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मूनोलॉजी डेक से आपके और आपके पार्टनर के लिए गाइडेंस देखते हैं कि मूनोलॉजी डेक से आपको और आपके पार्टनर को क्या गाइडेंस मिल रही है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और पीछे से अगर कोई आवाज आ रही हो तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिए। मूनोलॉजी डेक से देखेंगे कि मूनोलॉजी डेक से आपको क्या गाइडेंस आपको और आपके पार्टनर को मिल रही है। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, चाहे वो सिंगल हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप मोड में चल रहे हो, सेपरेशन मोड में हो, उनके लिए भी है, सभी के लिए है। ये जिससे रिजोनेट कर जाए उसी के लिए है रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम गाइडेंस के लिए हम इसको डेक को दो भाग में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 फोर कार्ड्स। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ये है, यूर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ये आपकी एनर्जी बता रहे हैं कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको प्रैक्टिकल प्लान की आवश्यकता है। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ड्रीम्स तो देखने हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिकल प्लानिंग भी करनी है। ऐसा नहीं कि हम ख्वाब देखे जा रहे हैं और प्लानिंग नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे, प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा, बस ख्वाब बुने जा रहे हैं, इस तरह से नहीं चलेगा। अब हम आपके पार्टनर के लिए भी चार कार्ड्स देखते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए जो ओवरऑल गाइडेंस आ रही है वो ये है कि कंक्लूजन्स आर विथ इन रीच। आपके पार्टनर के लिए गाइडेंस है कि कंक्लूजन होने वाला, जो कुछ भी चल रहा है उसका एक फाइनल डिसीजन वो लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपकी गाइडेंस देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, लुक एट द बिगर पिक्चर, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और साथ साथ आपको एक बिगर पिक्चर देखनी है। लुक एट द बिगर पिक्चर, जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बिगर चेंजेस आने वाले हैं, कुछ बिगर आउटकम आपको मिलने वाले हैं। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट मीन्स आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चाह रहे हैं वो आपके मर्जी के मुताबिक होने वाला है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, और आपका जो भी मेहनत है, आपका जो भी परिश्रम है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये गाइडेंस आपको मूनोलॉजी डेक से मिल रही है। अब हम आपके पार्टनर के लिए देखते हैं कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, कम्युनिकेशन इज की,
bring love into the situation. ए टाइम फॉर हीलिंग. आपके पार्टनर को ये गाइडेंस मिल रही है कि आपके पार्टनर का जो टाइम चल रहा है वो हीलिंग का टाइम चल रहा है, उनकी हीलिंग हो रही है. और अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो गॉडेस मून उनको गाइडेंस ये दे रही है कि कम्युनिकेशन इज की. किसी भी समस्या का हल जो है बात करके, कम्युनिकेशन के द्वारा निकाला जाता है. जब तक हम बात नहीं करेंगे किसी चीज का हल नहीं निकलेगा. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है और सिचुएशन में लव लाने की जरूरत है. तो ये उनको गाइडेंस मिल रही है. अब हम देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है. ये थी गाइडेंस मूनोलॉजी डेक से. अब हम देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी जो है वो क्या चल रही है. आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है, किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये देखना है हमें. फिर उसके बाद हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे. पीछे से आवाज आ रही हो तो प्लीज इग्नोर करें. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस. आप या आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं और टॉरस हो सकते हैं. सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन. तो यहाँ पर कार्ड जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं डिसीजन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पर दो चीज़ों में अटके हुए हैं. थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं. आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, पास्ट मेमोरीज में जा रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं और पैचअप के मूड में हैं. अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो पैचअप के मूड में है, रिकंसिलेशन के मूड में है. यहाँ पर अपने पेंटिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. अपने हो सकता है कि इनका सोसाइटी में बहुत नाम हो, बहुत इज्जत हो, बहुत प्रोस्पेरिटी हो, इस तरह के पर्सन ये हो सकते हैं आपके पार्टनर. और ये पार्टनर ये जो पर्सन है आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बात करके सब चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं. बट यहाँ पर थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी वाइफ हो सकती हैं, जहाँ पर ये अटके हुए हैं. इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं. तो ये थर्ड पार्टी उनका करियर भी हो सकता है. और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, इनके आसपास के लोग नहीं चाहते कि ये आपके पास आए. ये पर्सन चाहते हैं बट आसपास के लोग इनको भड़काते हैं, इनको भड़काने की कोशिश करते हैं आपके खिलाफ. इस कारण से ये पर्सन जो है वो अटक जाते हैं अपनी सिचुएशन में. मींस इनको नहीं समझ में आता कि ये आपसे बात करें नहीं करें, आपको छोड़े या नहीं छोड़े, इस तरह की इनकी सिचुएशन बनी रहती है. अब हम देखते हैं इसके बाद इनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेकर. इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या चल रही है, क्या फील करते हैं आपके लिए. तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हीरोफेंट.
ये जो पार्टनर हैं आपके, मैंने आपको बोला टॉरस हो सकता है इनका जोडियक साइन या लिब्रा हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स आया है, मींस ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके साथ जीवन बिताना, आपको एज ए लाइफ पार्टनर चूज करना उनकी विश फुलफिलमेंट है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, मींस आपसे ही, आपके साथ उनको सुकून मिलता है, आपके साथ बहुत कंफर्ट फील करते हैं ये पर्सन। मैजिशियन का कार्ड है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये किसी वजह से डरे हुए हैं, ये थर्ड पार्टी से डरे हुए हैं, थर्ड पार्टी के कारण कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बट ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको, अगर बातचीत नहीं हो रही तो इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है इस पर्सन के द्वारा। टू ऑफ कप्स, ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको डेटिंग पे ले जाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये पर्सन। ये जो रीडिंग है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रिजोनेट करेगी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको लगता है कि आपसे चीजें छुपा रहे हैं या आपको छोड़कर चले गए, आपसे चीटिंग करी, तो ऐसा नहीं है। ये किसी डर के कारण, ये किसी फियर के कारण आपको छोड़कर गए हैं, किसी डर के कारण आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, बट ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, इनका आपके साथ सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप दोनों। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस इनके अंदर बहुत हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये किसी वजह से डरे हुए हैं। या तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या इनकी मदर हो सकती है, जो कि नहीं चाहती हूँ आपसे ये कॉन्टेक्ट आगे बढ़ाएं, या इनकी, अगर मैरिड हैं आप, वो भी मैरिड है, तो उनकी वाइफ हो सकती हैं, बट ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। ये अगर आपको छोड़कर गए, आपसे बात करना बंद किया इन्होंने, तो किसी डर की वजह से, इनको हो सकता है कोई डर हो, थर्ड पार्टी इनको प्रेशराइज करती हो, थ्रीट करती हो, इसलिए हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़कर गए हो, बट रियल में आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत लव है, अंडरस्टैंडिंग है, और ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये एनी हाउ कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से ये आपके पास आना चाहते हैं, ये सारे अपने साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं आपके पास आने के लिए। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर रखते हैं। इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं आपको लेकर, थोड़े से ये ट्रेडिशनल हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, ये हम देखेंगे। आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर।
बहुत सारे कार्ड आ गए। फिर से आ गए ये कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक्शन ये पर्सन आपके लिए लेना चाहते हैं। फिर से एम्प्रेस आ गया, पहले भी एम्प्रेस आया था, अब फिर एम्प्रेस आ गया। ये पर्सन आपको, ये अपने आसपास के लोगों के कारण ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही मार्च मंथ में यहाँ कुछ एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको मैसेज करेंगे, आपको हो सकता है डायरेक्ट आपको मिलने आए, आपको सरप्राइज दें, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। पास्ट मेमोरीज में है ये, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपके बिना बहुत अकेलापन, बहुत दुखी फील कर रहे हैं। फिर से ये कार्ड आ गया, यहाँ पर आपको कॉल मैसेज आ सकता है इस पर्सन के, ये हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, तो ये पर्सन आपको ट्रेवल करके आपके पास आएंगे, खुद की व्हीकल से आएंगे। यहाँ द मून, ये अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, बट इमोशन बहुत है इनके अंदर आपके लिए, ये अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं चाहते हैं, बट ये जल्द ही इन द मंथ ऑफ जून, मार्च से जून के बीच में फिर से ये कार्ड आ गया। देखिए टू ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन है, मार्च से जून के बीच ये सारी बातें आपको रिवील करेंगे, सब कुछ अपने मन की, जो इनके अंदर इमोशंस छुपे थे ये सब आपको बताएंगे, आपके पास आएंगे, मिलेंगे, मैसेज करेंगे, मैसेज के थ्रू बताएंगे कि आपसे मिलेंगे, आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। एक और कार्ड हम लेंगे, कार्ड बिल्कुल जो पहले आए थे वही कार्ड आ रहे हैं, चीजें सामने आएंगी, सच्चाई सामने आएगी कि ये पर्सन आपको क्यों छोड़कर गए, क्यों इन्होंने ऐसा किया, ये सब चीजें आपके सामने आने वाली हैं। एक कार्ड में और लूंगी, तो एस ऑफ सोल्स, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीजों को क्लियर करके, चीजों को क्लैरिफाई करके ये सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये इनकी फीलिंग्स प्लस इनके एक्शंस दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में, और मार्च में बहुत ज़्यादा चांसेस है, मार्च और जून में, मार्च या जून में आप दोनों रीयूनाइट होने वाले हैं, आपका रीयूनियन होने वाला है इस पर्सन से। अब हम गाइडेंस भी देखते हैं कि फेरी ओरेकल कार्ड से, फेरी टेरो से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। फेरी ओरेकल कार्ड से आपको, सॉरी फेरी टैरो से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। द सन का कार्ड अभी भी आया था उसमें भी, और फिर आया है मैजिशियन का, फिर आ गया कार्ड द हर्मिट। तो यहां पर द सन का कार्ड जो है ये बता रहा है कि प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, आपको ऐसे प्लान्स करने हैं जो कि परफेक्टली वर्क करें, और आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है डिवाइन का, यूनिवर्स का, हमेशा ग्रेटिट्यूड। जो कुछ आपको मिला आपको निराश नहीं होना है, आपको सैड नहीं होना है, क्योंकि हम जैसी एनर्जी में रहते हैं हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं,
अगर हम खुश रहते हैं तो हम खुशी को अट्रैक्ट करते हैं, हम सैड रहते हैं हम जो सोचते हैं हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ें सोचनी है कि पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको जो कुछ भी आप इस पर्सन से चाहते हैं आपको वही मैनिफेस्ट करना है। द मजिशियन का कार्ड है, यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी सक्सेस। मैंने आपको अभी क्या कहा, जो आप कुछ चाहते हैं सक्सेस अगर इस कनेक्शन में चाहते हैं तो आपको मैनिफेस्ट करना है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो कुछ भी मैसेज हम यूनिवर्स में जो हम सोचते हैं वही मैसेज हम यूनिवर्स में देते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही फील करना है। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो आपको एक सेंटेंस बोलना है, कट कैंसिल क्लियर डिलीट, कट कैंसिल क्लियर डिलीट, 3 times बोलना है कट कैंसिल क्लियर डिलीट। क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा वो यूनिवर्स है। जो चीज़ें हम सबकॉन्शियस माइंड में बैठाते हैं वो सब हमारी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट होती हैं। तो इसलिए हमको सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं। सॉरी, द हर्मिट, फाइंड और बी अ मेंटर, टेक अ ब्रीथ सॉरी ब्रेक फ्रॉम सोसाइटी, ए कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, आपको स्पिरिचुअली अवेकेंट होना है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली अवेकेंट होंगे वैसे वैसे आपके काम जो है वो बनने लगेंगे। आपको अपना मन जो है वो भगवान में लगाना है, अध्यात्म में लगाना है, स्पिरिचुअलिटी में लगाना है। और जो चीज आप चाहते हैं उसको आपने कोई इच्छा करी और उसको यूनिवर्स पे छोड़ दी, उसको लेट गो कर दिया। और आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। तो ये यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें अगर आपसे ये रिजोनेट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम साई राम।